अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज आप तमाम दोस्तों के लिए डायहत्सु कंपनी की 660 सीसी एक जवानी गाड़ी लेके आया हूं। ये गाड़ी इस वक्त फॉर सेल है, कितना चल चुकी है, किस कंडीशन में गाड़ी है, गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए आप हमारी आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ताकि आप जहां पे ऑल्टो या महरान गाड़ी पाकिस्तान की लेने जा रहे हैं वहां पे मैं आपके साथ एक जापानीज गाड़ी का रिव्यू शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ख्वातीनो हजरात, इस वक्त आपके सामने जापानीज मॉडल में 660 सीसी गाड़ी अवेलेबल है। मैं आपको ये बात पहले क्लियर बताता चलूं कि आप लोग महरान के ऊपर या ऑल्टो के ऊपर ही डट जाते हैं, आप कहते हैं कि इन गाड़ियों से अच्छी कोई गाड़ी है ही नहीं। चले महरान तो एक फिर भी लो कैटेगरी के अंदर गाड़ी आती है, आप लोग कहते हैं कि हमने खरीदनी है तो ऑल्टो खरीदनी है। और बात यह है कि ऑल्टो की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है, क्योंकि वो गाड़ी एक्सीडेंट की सूरत में आपकी लाइफ को सिक्योर नहीं बनाती, क्योंकि उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से हटके उस गाड़ी के पिलर्स, उस गाड़ी के डोर्स, उस गाड़ी का बोनट, ट्रंक, किसी साइड से भी वो गाड़ी सेफ नहीं है। और जहाँ तक बात रह जाती है एयर बैग्स की, तो इतने कोई थर्ड क्लास क्वालिटी की एयर बैग्स हैं सुजुकी ऑल्टो के कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके सामने जो गाड़ी मौजूद है ये टोयोटा पिक्सिस और सुजुकी ऑल्टो से मिलती जुलती गाड़ी है। आपके सामने अवेलेबल है डायहत्सु कंपनी की जापानीज मीरा गाड़ी, आपके सामने अवेलेबल है और ये डाउन मॉडल में गाड़ी है। मज़े की बात ये है कि ये गाड़ी इस वक्त अर्जेंट फॉर सेल अवेलेबल है। अगर गाड़ी की बॉडी कंडीशन की बात करें तो वाइट कलर में गाड़ी है, डायहत्सु मीरा एक्स पैकेज के साथ है और गाड़ी के चारों दरवाज़ों की सीलिंग कंप्लीट हैं। बोनट की और ट्रंक की आपको तमाम तर सील्स कंप्लीट मिलती हैं, कहीं से गाड़ी में कोई टचअप नहीं है, कहीं से गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है। जस्ट आपने गाड़ी को बाय करना है एंड देन इस गाड़ी को ड्राइव करना है। ये गाड़ी इंटीरियर भी आपको अच्छा प्रोवाइड करती है, पावर मिरर्स और मैनुअल डोर्स के ऑप्शन हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, म्यूजिक सिस्टम बेहतरीन इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है, स्मार्ट LCD डिस्प्ले भी इस गाड़ी में इंस्टॉल की गई है। उसके अलावा गाड़ी के चारों दरवाजों पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये गाड़ी 2013 मॉडल है और 2016 की गाड़ी रजिस्टर्ड है कराची सिटी की। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, नेविगेशन इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल मिलती है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के फीचर्स हैं। और अगर आपको मैं इस गाड़ी का माइलेज बताता चलूं तो ये गाड़ी जेन्युइन 70,000 किलोमीटर चली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ 70,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। उसके अलावा गाड़ी इंटीरियर से भी आपने देखी, अगर गाड़ी के इंजन रूम की बात की जाए तो 660 सीसी का फुली EFI इंजन है इस गाड़ी में। इंजन में कोई डस्ट नहीं है, ब्रांड न्यू बैटरी है, दोनों कुपों की सीलिंग कंप्लीट हैं। आपने जस्ट गाड़ी को बाय करना है एंड देन इस गाड़ी को ड्राइव करना है। गाड़ी के ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी को बासानी खरीद सकते हैं। गाड़ी के ओनर ने इसकी प्राइस मेंशन नहीं की, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओनर के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप उनसे डायहत्सु मीरा 2013 मॉडल की प्राइस इजीली हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही डिटेल थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।